दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंग वॉर, एक बड़े गैंगस्टर तिल्लू तेजपुरिया की दूसरे गैंग के लोगों ने की हत्या। तेजपुरिया पर योगेश टुंडा और उसके साथी लोगों ने लोहे के रॉड से किया हमला, पुलिस कर रही है मामले की जांच। आज प्रयागराज में सीएम योगी की चुनावी सुबह, माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद योगी का पहला प्रयागराज दौरा। प्रयागराज के लूकरगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन के पास से योगी की सभा। निकाय चुनाव के लिए आज झांसी और लखनऊ में भी चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी, दोनों जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। मुरादाबाद में बोले सीएम योगी, आज शहरों में माफिया अपराधियों का आतंक नहीं, बेटियां व्यापारी सभी सुरक्षित। सीएम योगी का ऐलान, कहा नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा, ना रंगदारी ना फिरौती। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज, शास्वती और गोंडा में करेंगे चुनाव प्रचार, रैली को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सहारनपुर में करेंगे रोड शो, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद भी हो सकते हैं शामिल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ नगर निकाय चुनाव से पहले लखनऊ मेट्रो की यात्रा की, बोले लखनऊ की जनता उस पार्टी को वोट दे जिसने मेट्रो दी वर्ल्ड क्लास स्टेडियम दिया। अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में निकाय चुनाव के लिए किया प्रचार, कहा कूड़े का अंबार लगा है, बीजेपी के मेयर ने काम नहीं किया। मेट्रो प्रोजेक्ट पर रोक लगाने पर भड़के अखिलेश यादव, कहा बीजेपी ने लखनऊ को कचरा बनाया, गोरखपुर में नाव से चलेंगे लोग। अतीक हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा सरकार के लोगों ने रेकी कर हत्याकांड को अंजाम दिया। अखिलेश यादव ने कहा अतीक अशरफ हत्याकांड एक साजिश के तहत कराया गया। अतीक की संपत्तियों के बारे में खुलासा, सूत्रों के मुताबिक 2500 करोड़ से भी ज्यादा है संपत्ति। अब तक की जांच के मुताबिक सिर्फ 30% संपत्ति अतीक और उसके परिवार के नाम, 70% संपत्ति दूसरे के नाम पर दर्ज। अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर आज प्रयागराज कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में पुलिस की ओर से जवाब नहीं मिलने की वजह से टल गई थी सुनवाई। अतीक की बीवी शाइस्ता और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश जारी, पुलिस और एसटीएफ की टीम कर रही है छापेमारी। गुड्डू मुस्लिम को लेकर खुलासा, फरार होने के बाद गोवा में भी रहा था गुड्डू, लखनऊ के एक बिल्डर पर मदद करने का आरोप। पहली बार कैमरे पर आई शाइस्ता की मददगार मुंडी पासी अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया गलत। मुंडी पासी ने शाइस्ता की जानकारी होने से किया इनकार, कहा मेरे भाई को अतीक ने ही मरवाया। मुंडी पासी ने शाइस्ता की मदद करने या किसी भी रिश्ते से इनकार किया, कहा मुझे चुनाव के बहाने अपने पास बुलाया था। उमेश पाल हत्याकांड में नया खुलासा, अतीक ने अपने लोगों का रखा था कोड नेम, साबरमती जेल से कोड नेम लेकर करता था अतीक बात। अतीक का कोड नेम था बड़े 006 और अशरफ का कोड नेम था छोटे 007। असद और गुड्डू मुस्लिम के लिए भी रखे गए थे कोड नेम। मुरादाबाद निकाय चुनाव प्रचार में उतरे ओवैसी, बोले मुसलमानों की कोई कीमत नहीं, पुलिस कस्टडी में भी गोली से मारे जाते हैं। प्रयागराज निकाय चुनाव में अतीक हत्याकांड बना मुद्दा, AIMIM के मेयर प्रत्याशी नकी खान बोले मुसलमानों को अखिलेश केवल वोट बैंक मानते हैं। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द, 2 दिन पहले 4 साल की सजा सुनाई गई थी। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी थी दलीलें। पीएम मोदी आज फिर कर्नाटक के चुनावी दंगल में उतरेंगे, 3 रैलियों के साथ एक जगह रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे चित्रदुर्ग, दोपहर 1 बजे हॉस्पेट और 3:45 बजे सिंधनूर में करेंगे रैली। शाम 5 बजे कलबुर्गी में होगा रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भी कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे, 3 जगह जनसभा, 3 जगह करेंगे रोड शो। अमित शाह मैसूरु में 1 और चामराजनगर में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित, बेंगलुरु में 3 जगह करेंगे रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के शिमोगा में रोड शो किया, समर्थकों का उमड़ा हुजूम। अमित शाह ने सोमवार को तुमकुरू में किया रोड शो, कहा कांग्रेस आए तो धर्म के आधार पर फिर मुस्लिमों को देगी आरक्षण। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म कर लिंगायत और दलितों में बांटा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कर्नाटक में आज 3 जगह जनसभा, शिवमोगा, दावणगेरे और चिकमंगलुरु में करेंगे रैली। कर्नाटक में राहुल गांधी का निशाना, कहा पीएम सिर्फ अपने ऊपर हुए आक्रमण की बात करते हैं, कमीशन पर कुछ नहीं बोलते। कर्नाटक के तुमकुरु में कांग्रेस की रैली, अफजान के दौरान राहुल गांधी ने रोका भाषण। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज कर्नाटक के मांड्या में जनसभा करेंगी, 3 जगहों पर रोड शो को भी संबोधित करेंगी। कर्नाटक में आज चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रहेंगे मौजूद। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार, मालवाड़ी समाज और राजस्थान के लोगों से करेंगे बात। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आज कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार, हुबली में रैली को करेंगे संबोधित। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा आज भी कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार, बेंगलुरु के कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का दावा, कहा 100 साल तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी।
पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे की शिकायत की। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने चुनाव आयोग में दर्ज करवाई शिकायत। खड़गे के बाद उनके बेटे ने पीएम को कहे अपशब्द, मोदी को बताया नालायक बेटा। अपने बेटे के बचाव में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा आरोप पूरी तरह से गलत, कांग्रेस को किया जा रहा है डीफेम। प्रहलाद जोशी का प्रियांक खड़गे को जवाब, बोले जब पिता गाली देता है तो बेटे से क्या करें उम्मीद। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का अटैक, बोले बीजेपी से डरी हुई है कांग्रेस, इसलिए ऐसी बयानबाजी हो रही है। अपने आलाकमान को खुश करने के लिए कांग्रेस नेता पीएम पर कर रहे हैं टिप्पणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशाना। कर्नाटक में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा, 3 फ्री सिलेंडर का भी ऐलान। जेपी नड्डा ने बीजेपी के घोषणा पत्र की गिनाई खूबियां, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और विकास पर फोकस। यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की मांग, कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई का बयान। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा घोषणा पत्र में महिला किसानों से सभी मुद्दों पर ध्यान, चुनाव जीत कर बनाएंगे बीजेपी सरकार। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस का पलटवार, नाना पटोले का दावा चुनाव में होगी हार, कांग्रेस 150 सीटों से जीतेगी। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड आरएसएस बीजेपी का एजेंडा, ये देश को बर्बाद करके रहेंगे। अशोक गहलोत का केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप, बोले उज्ज्वला के तहत मिल रहा है महंगा सिलेंडर। पायलट से मनमुटाव की खबरों पर गहलोत का पलटवार, कर्नाटक बीजेपी में सबसे ज्यादा खींचतान, बीजेपी के नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, बोले मुझे सीएम बनने की कोई ख्वाहिश नहीं। मुंबई की रैली में उद्धव ने बीजेपी पर मुंबई का महत्व कम करने का आरोप लगाया, कहा मुंबई को जो तोड़ने की कोशिश करेगा उसके टुकड़े किए जाएंगे। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की रैली, एनसीपी से अजीत पवार, जयंत पाटिल शामिल, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और कांग्रेस से अशोक चव्हाण रहे मौजूद। रैली में शिंदे सरकार पर जमकर बरसे आदित्य ठाकरे, कहा महाराष्ट्र में जल्द गिरेगी असंवैधानिक सरकार। महाविकास अघाड़ी पर सीएम एकनाथ शिंदे का तंज, कहा सीएम पद को लेकर अभी से होड़ शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर पंचायत चुनाव पर बोले फारूक अब्दुल्ला, हम हर चुनाव लड़ेंगे पर केंद्र के सामने भीख नहीं मांगेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को मिला किसानों का साथ, आज किसान नेता राकेश टिकैत भी धरने में होंगे शामिल। रेसलर्स के धरने को लेकर सियासत जारी, जंतर मंतर पर पहलवानों से मिले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत। पहलवानों से मिलने के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा ये पार्टियों की नहीं देश की लड़ाई है। WFI प्रमुख ब्रजभूषण का पलटवार, चाहे तो दे दो फांसी लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। ब्रजभूषण सिंह ने कहा मुझे हटाने के लिए एक उद्योगपति पानी की तरह बहा रहा है पैसा। पहलवानों के प्रदर्शन पर बोले फारूक अब्दुल्ला, एकता में बड़ी ताकत, ये किसी भी सरकार को हिला सकती है। ऑपरेशन कावेरी के तहत 10वां विमान जेदा से रवाना, विमान में 231 लोग हैं सवार, विदेश मंत्रालय का बयान। सीनियर सिटीजन को मिलने वाली रियायत खत्म कर, रेलवे ने की बंपर कमाई, 2242 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। रविवार को रिकॉर्ड 4,56,000 से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की बढ़ती समृद्धि का संकेत बताया। मथुरा की अदालत में ही होगी श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह जमीन विवाद की सुनवाई, हाईकोर्ट ने रिमांड बैक किया हमला। अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में 8 मई को तेजस्वी यादव को लेकर होगी अगली सुनवाई, गुजरातियों पर की थी विवादित टिप्पणी। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की जुडिशियल कस्टडी बढ़ी, पशु तस्करी केस में 4 मई तक जेल में रहेंगे अनुव्रत। तनिषा शर्मा सुइसाइड केस में आरोपी शिजान ने वसई कोर्ट में दी याचिका, पासपोर्ट वापस दिलवाने की मांग की, आज होगी सुनवाई। केजरीवाल बंगले के बेहिसाब खर्चे को लेकर एक और खुलासा, साफ सफाई के नाम पर हर महीने 11 लाख रुपए होता है खर्च। केजरीवाल के घर पर 2 सुपरवाइजर, 30 हाउसकीपिंग स्टाफ समेत 42 लोग करते हैं काम। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले अगर केजरीवाल इतने ही सच्चे तो अपना बंगला खोल कर दिखा दें। केजरीवाल पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का हमला, 100 से ज्यादा पेड़ कटवाने का आरोप, सेटेलाइट इमेज का हवाला दिया। आम आदमी पार्टी के गुजरात चीफ इफुदान गढ़वी पर केस दर्ज, इफुदान ने मन की बात कार्यक्रम पर 830 करोड़ खर्च करने की कही थी बात। और वैसे ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा आनंद मोहन को कानून बदलकर इसलिए रिहा किया गया क्योंकि उन्हें समाज का वोट चाहिए। आनंद मोहन के बाद बिहार में बाहुबलियों की रिहाई की मांग, पटना में अनंत सिंह और प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर लगे पोस्टर। पुणे में पुलिस ने रुकवाया AR रहमान का कॉन्सर्ट, समय सीमा के खत्म होने के बाद चल रहा था प्रोग्राम। रहमान के समर्थन में उतरे संजय राउत, ट्वीट कर कहा नेताओं के कानून उल्लंघन पर कुछ नहीं करती पुलिस। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस ने आतंकियों के बंकर को किया नष्ट, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। देश में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में आए 4,282 नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 177 नए मामले आए सामने, एक मरीज की मौत। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी हो सकती है बारिश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली NCR और पंजाब हरियाणा में 2 दिन तक सामान्य से 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक कम रहेगा तापमान, मौसम विभाग का अनुमान। मथुरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को आने जाने में हुई दिक्कत। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बदला मौसम का तेवर, बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीती रात हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कल हुई बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाधार की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी, बर्फ की चादर में लिपटा दिखाई इलाका। ओडिशा के टिटलागढ़ पुलिस ने जाली नोटों के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया, एक गांव में चलाया गया अभियान। 10 लाख रुपए के जाली नोट बरामद, 4 मोबाइल, 3 बाइक भी आरोपियों से बरामद हुई। पुलिस ने केस दर्ज किया, पूरे मामले की आगे की कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए की तैयारी। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने पर जोर, चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड के खूंटी में प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI का जोनल कमांडर हथियार के साथ हुआ गिरफ्तार, 1 लाख का था इनामी। AK-47, गोलियां, बाइक और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में लैंड जिहाद के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर कर्जा, बहादराबाद में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाए गए 2 अवैध मजारों को किया गया ध्वस्त। अवैध धार्मिक कब्जों के खिलाफ चलाया जा रहा है यह अभियान, सिंचाई विभाग की पुरानी बिल्डिंग में पिछले 10-12 साल में बनाई गई 2 मजार। मामले में यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई, SDM ने विभाग के अधिकारियों को भी जवाब देने के लिए कहा। मिंड में बड़ा हादसा, गौरी सरोवर में गिरी कार, CCTV में कैद हुआ हादसा। मौके पर चलाया गया राहत बचाव का काम, क्रेन की मदद से बाहर निकाली गई कार, ड्राइवर की सीट पर ही मौत। एक शख्स वक्त रहते बाहर कूदने में हुआ सफल, दूसरे को सरोवर से रेस्क्यू कर निकाला गया, नशे की हालत में था शख्स। तमिलनाडु के मदुरई में 9 दिवसीय चिथिराई उत्सव का आयोजन, उत्सव के दौरान निकाला गया जुलूस। जुलूस में बड़े पैमाने पर शामिल हुए लोग, देखने वालों की भीड़ उमड़ी। बिहार की पहली महिला कैब ड्राइवर बनी अर्चना पांडे, कार चलाकर करती हैं 4 बच्चों की परवरिश। जम्मू कश्मीर में LOC से सटे टिटवाल में 75 साल बाद खुला गुरुद्वारा, शारदा बचाओ समिति ने गुरु तेग बहादुर जी को किया समर्पित। शारदा बचाओ समिति ने LG और प्रशासन को सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। समिति ने भव्य शारदा पीठ यात्रा मंदिर का भी किया है निर्माण। गर्मियों के लिए मदर डेयरी ने 10 नए आइसक्रीम वेरियंट लॉन्च किए, इसमें 5 कुल्फी और 5 कोन आइसक्रीम भी शामिल। मदर डेयरी ने आइसक्रीम का नया कैंपेन लॉन्च किया, टेस्टी और क्वालिटी आइसक्रीम का वादा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 4 दिन के साउथ कोरिया के दौरे पर पहुंची, राजदूत अमित कुमार ने किया स्वागत। मां काली के आपत्तिजनक फोटो ट्वीट करने के मामले में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने जताया खेद, कहा भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का बड़ा खुलासा, यूक्रेन में पिछले 5 महीने में रूस के 20,000 सैनिक मारे गए, 80,000 घायल हुए। यूक्रेन में मारे गए लोगों में से आधे से ज्यादा वैग्नर सैनिक शामिल, व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी का दावा। जॉन किर्बी ने कहा लड़ाई से सबसे ज्यादा बखमुत शहर में हुआ नुकसान, यूक्रेन के बड़े शहरों में कब्जे का रूस का प्रयास फेल। अमेरिका में कोविड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी खत्म, 11 मई से लागू होगा आदेश। अमेरिका में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, धूल भरी आंधियां, चलने से हुए कई सड़क हादसे, ट्रैफिक भी बाधित। तूफान के चलते हुए हादसे में कई लोग घायल, 30 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धूल उड़ने से मॉन्टगोमरी काउंटी में विजिबिलिटी हुई कम, राजमार्ग को दोनों दिशाओं में बंद किया गया। रूस में विस्फोटक से भरी ट्रेन हादसे का शिकार, जोरदार ब्लास्ट के बाद बोगियां पटरी से उतरी। ब्लास्ट से रेलवे ट्रैक को भी पहुंचा नुकसान, ट्रैक की मरम्मत में जुटे कर्मचारी। हादसे के बाद कई टैंकर पलटे, किसी के घायल होने की खबर नहीं। सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच सऊदी अरब में हो सकती है चर्चा, बातचीत के लिए प्रतिनिधियों को भेजने पर बनी सहमति। सीज फायर के बावजूद सूडान में संघर्ष जारी, राजधानी खार्तूम में हिंसा के लिए आर्मी और पैरामिलिट्री ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। 73,000 से ज्यादा लोग सूडान से पड़ोसी देश में भागे, 8 लाख तक बढ़ सकता है आंकड़ा, संयुक्त राष्ट्र ने जारी की चेतावनी। चिली में मजदूर दिवस पर मार्च निकल रहे लोगों और पुलिस के बीच हुई झड़प, प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा मुकाबला, अहमदाबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से हराया, पॉइंट टेबल पर 5वें स्थान पर पहुंची बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 127 रन का दिया था टारगेट, लखनऊ की टीम 108 रन पर सिमटी। गेंदबाजों ने RCB को लखनऊ सुपर जायंट्स पर दिलाई जीत, IPL सीजन का सबसे छोटा स्कोर डिफेंड किया। RCB के लिए कर्ण शर्मा और जॉश हेजलवुड ने 2-2 विकेट झटके, सिराज हर्षल और मैक्सवेल को 1-1 विकेट मिला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए डुप्लेसी और विराट कोहली ने खेली अहम पारी, डुप्लेसी ने 44, विराट ने 31 रन बनाए। फाफ डुप्लेसी ने फिर अपने नाम किया ऑरेंज कैप, डुप्लेसी ने 9 मैचों में 466 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कृष्णप्पा गौतम ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 13 गेंद पर 23 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए नवीन उल हक ने 3 विकेट झटके, रवि बिश्नोई और अमित मिश्रा ने 2-2 विकेट लिए। जापानी टेबल टेनिस खिलाड़ी इशिकावा ने संन्यास का किया ऐलान, लगातार 3 ओलंपिक खेलों में मेडल जीत चुकी हैं इशिकावा।
IBMNF वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन, मोहम्मद हुसामुद्दीन ने जीत के साथ ही अभियान की शुरुआत। बाबर आजम के फैसले से खुश नहीं है मोहम्मद रिजवान, कहा पांचवें नंबर बैटिंग पोजीशन से निराश हूं। सुल्तानपुर में बीजेपी सांसद मेनका गांधी कीचड़ में फिसल कर गिरी, चुनाव कैंपेन के लिए घासीगंज में पहुंची थी प्रचार करने। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ओले गिरने से जमीन पर बिछी सफेद चादर, कश्मीर सा दिखा नजारा, गर्मी में मानसून जैसा हाल। इंदौर में शादी समारोह में बेटे आकाश के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने जमकर किया डांस, डांस मूव देखकर लोग हैरान। हाथियों के झुंड को रास्ता देने के लिए झाड़ियों के पीछे छिपा टाइगर, हाथियों के गुजरने के बाद निकला बाहर। बैसाखी के सहारे लड़की ने किया कमाल का डांस, लोग हुए मुरीद, वीडियो शेयर कर IAS ने लिखा बिटिया के हौसले और जज्बे को सलाम।